नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में। आज आपके लिए क्वेश्चन लगाने में मुझे थोड़ा सा देर हो गई, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, माफी चाहता हूँ उसके लिए। बिल्कुल आ गया हूँ यहाँ पर, सोचा था नमस्ते सर, आरिफ खान बिल्कुल रेडी। और शेयर करो फ्रेंड्स, तो जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 25 मिनट में 25 क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट और एजम्पशन आपने कम्प्लीटली देख लिया था, और उसके बारे में कौन कौन सी चीजें सही होती हैं, कौन कौन सी चीजें सही गलत होती हैं, उन सब के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। तो उसको थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज आप जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप उनको कैसे करोगे। देखिए, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन इतना होगा, आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें बुढ़ी हो गई सर। ओ चलिए, आ गया हूं, परेशान मत हो। आज लेट हो गया जी? बिल्कुल लेट हो गया, आपकी वजह से। आपके पूरी की पूरी पाठ पूरे पाठशाला परिवार को प्रणाम प्रणाम स्वीकार है। हेलो सर जी, हेलो गुरु जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, टाइम कम है हमारे पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी रीजनिंग की क्लास रोज शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे आती है, तो रोज शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है रीजनिंग पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अभी तक हम लोग स्टेटमेंट और एजम्पशन की 2 क्लास ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग रैपिड फायर करने वाले हैं, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करेंगे। जितना भी कंफ्यूजन हो आज दूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज मैं आपको काफी तेजी से पढ़ाने वाला हूं, और तेजी से पढ़ाने में क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ना समझ में आए, या हो सकता है आपको कुछ दिक्कत महसूस हो, तो वो मुझे बताते जाइएगा। फिलहाल मैं सबसे पहले कुछ बातें आपको बता दूं। आपने आपने जो एजम्पशन वगैरह देखे थे, उसमें कौन कौन से पॉइंट आज आपको दिमाग में रखने हैं। देखिए, हम लोग चेक कर रहे हैं एजम्पशन, नॉट ए कंक्लूजन, यानी कि हम चेक कर रहे हैं पूर्व धारणा। आज हम लोग सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएंगे, एजम्पशन आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, एजम्पशन आएंगे। तो आपको कौन सी चीजें चेक करनी है, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कौन सी चीजें आपको नहीं चेक करनी है। मतलब अगर ये आएगा तो आप एजम्पशन को गलत मानेंगे, और फिर देखिए आपके दिमाग में कैसे बैठता है। सबसे पहले, अगर आपको कहीं पर भी रीस्टेटमेंट नजर आए, यानी ऐसा नजर आए कि वाक्य का दोहराव हो गया है या वाक्य दोबारा आ गया है, तो आपको वो सेंटेंस सही नहीं करना है। आपको वो सेंटेंस सही नहीं करना है। यहां पर हम लोग वो लिखेंगे जो गलत वाले हैं, जो आपको गलत करने हैं। अगर आपको कहीं पर भी सेम मीनिंग नजर आए, ये मैंने कल डिस्कस किया है आपसे, अगर आपको कहीं पर भी सेम मीनिंग नजर आए तो भी आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि आप उसको एज एजम्पशन सही नहीं मानेंगे। वो कंक्लूजन के रूप में सही हो सकते हैं, लेकिन एजम्पशन के रूप में सही नहीं होते हैं। पूर्व धारणा हमेशा कथन में होती है। सेम मीनिंग के बाद अगर आपके पास कहीं पर भी कन्वर्जन आए, कन्वर्जन का मतलब सेम वाक्य को दूसरे तरीके से कह दिया जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया था सिलोंग वाले केस आपको बताए थे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन हो जाए वाक्य का और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो भी आपको एज ए एजम्पशन सही नहीं लेने हैं। उसके बाद कन्वर्जन के बाद मैंने आपको ओवर्जन एक चीज बताई थी। ओवर्जन का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ विलोम शब्दों का प्रयोग हो, तो वो चीजें भी आपको सही नहीं लेनी है। तो ये 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, इनको सही नहीं लेना है। क्या करना है, पूरे टाइम आज आप स्पीकर बने रहेंगे, यानी जिसका भी सेंटेंस पढ़ेंगे उसके रोल में आ जाएंगे। अगर आप एक एजुकेशनिस्ट का सेंटेंस पढ़ते हैं तो एजुकेशनिस्ट बन जाएंगे, एक इकोनॉमिस्ट का सेंटेंस पढ़ते हैं तो इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, एक माँ का सेंटेंस पढ़ते हैं तो ठीक है, और अगर एक पिता का सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक पिता बनने की कोशिश करेंगे, मतलब उस रोल में जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्पीकर की बात करना है तो जो भी सेंटेंस देगा आपको वही बने रहना है। अगर कोई आपको सलाह देता हुआ नजर आए तो आपको उसकी सलाह माननी है, अगर कोई आपको चेतावनी देता हुआ नजर आए तो उसकी चेतावनी माननी है, अगर कोई आपको अपील करता हुआ नजर आए तो उसकी अपील माननी है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि ये चीजें सही होती हैं। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सर्वमान्य सत्य, जो पूरी दुनिया सही मानती है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो सारे एक ही सूरज है जो पूरब से उगता है और पूरी दुनिया ये जानती है कि सूर्य पूरब से उगता है, तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको मिलता है तो वो आपको सब सही मानना है। जी हाँ, ओवर्जन मैंने विलोम शब्द की ही बात की थी। यूनिवर्सल ट्रुथ आपको हमेशा सही मानना है, चाहे वो निष्कर्ष में आए, चाहे वो पूर्व धारणा में आए, वो हर जगह सही होता है। कोई लॉ मिल जाता है, कोई नियम मिल जाता है, फिजिक्स का कोई भी नियम मिल जाता है, तो वो भी आपको सही मानना है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपका सेंटेंस चरम सीमा पर चला जाए, चरम सीमा पर यानी अप टू एक्सटेंट लिमिट चला जाए, उसके बाद कुछ कहने को ना बचे, तो वो भी आप उसको सही नहीं मानेंगे। दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, हम लोग किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं एक तरफ से। ये आ रहा है आपके लिए पहला क्वेश्चन, देखिए इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, तो ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। यहां पर इसको आंसर करने पर कोशिश करिए, कौन सी पूर्व धारणा सही होने वाली है। यदि वो अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और यदि वो अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि वो अपने रास्ते पर आ सकता है। 1 सेकंड रुकिए, मुझे टाइमर ऑन कर ले दीजिए, यहां 20 सेकंड का टाइमर है आपके लिए, और ये रहा आपका टाइमर। 20 सेकंड बाद मैं आंसर दे दूंगा, उससे पहले आपको आंसर करना है। टाइमर
टाइमर चल रहा है आपका, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है आप पढ़ लें, इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज आई विल कॉल द पुलिस, ही मे मेंड हिज वेज द पुलिस मे हेल्प मी, ही हैज बीन मेकिंग हॉक्स कॉल टू मी। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही रहेगा? यहां पर टाइमर आपका अप हो गया है और टाइमर अप हो जाने के कारण हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर सीधे सीधे सेंटेंस पे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है वो अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब जो भी है ये आप ही हैं जो कह रहे हैं कि यदि वो अपने रास्ते पर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, पुलिस बुलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है कि वो अपने रास्ते पर आ सकता है। अगर ऐसा ना होता तो आपने यहां यदि शब्द का इस्तेमाल ना किया होता। यहां पर आपने किसका इस्तेमाल ना किया होता, यदि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता, मतलब ये क्या है, सही है, पुलिस मेरी मदद कर सकती है। आपने किसको बुलाने के लिए कहा है, पुलिस को, क्योंकि अगर वो रास्ते पे नहीं आएगा तो आप पुलिस बुलाएंगे, यानी ये भी क्या है, सही है। वह मुझे धमकी भरे फोन करते हैं, धमकी भरे फोन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, वन। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो फिर इसके बारे में कुछ बात करते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लावारिस वस्तुओं को ना छुए वे बम हो सकती हैं, शहर पुलिस द्वारा एक नोटिस। लावारिस वस्तुएं हानि रहित होती हैं, लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं, लोग इस नोटिस पर ध्यान देंगे। डू नॉट टच स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स, दे मे बी बॉम्ब्स, ए नोटिस बाय द सिटी पुलिस। स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स आर हार्मलेस, स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स मे बी टच बाय पीपल, पीपल विल टेक नोटिस ऑफ द वार्निंग। पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या आइदर और है। तो यहां पर मैं ऑन कर रहा हूं आपका टाइमर, आपको शुरू करना है, बताना है 20 सेकंड के अंदर। फटाक से देखिए और आंसर बताइए। बिट्टू, और ये आपका टाइम पूरा हो गया है यहां पर, कि लावारिस वस्तुओं को ना छुए वो क्या हो सकती हैं, बम हो सकती हैं। तो ये दिया हुआ है, लावारिस वस्तुएं हानि रहित होती हैं। ऊपर क्या कहा गया है, उनको ना छुओ वो क्या हो सकती हैं, बम हो सकती हैं, यानी खतरनाक हो सकती हैं। और ये क्या कह रहा है, हानि रहित होती हैं, यानी कि वो हार्मलेस होती हैं। कॉन्ट्ररी है, विरोधाभासी है, यानी आपके जो सेंटेंस में नहीं कहा गया था उसके बारे में बात करी, तो मतलब ये सेंटेंस क्या होने वाला है, गलत। लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं, बिल्कुल क्या कहा गया, लावारिस वस्तुओं को ना छुए एक नोटिस जारी की है शहर पुलिस द्वारा। तो इस सेंटेंस में आप बनेंगे शहर के पुलिस, और इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आप पुलिस बन गए हैं, और पुलिस बन गए हैं तो आपने एक नोटिस दी है। अगर आपको लगता है कि लोग लावारिस वस्तुओं को नहीं छुएंगे तो क्या आप नोटिस देते, आपने मना किया है उनको छूने का, यानी आपको लग रहा है कि लोग लावारिस वस्तुओं को छू सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन सही है, लोग इस नोटिस पर ध्यान देंगे। अगर आपको जरा भी लगे कि लोग इस नोटिस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या आप नोटिस देंगे, जी नहीं। अगर लोग नोटिस पर ध्यान देंगे, इसीलिए आपको लगता है, इसीलिए आपने नोटिस दी है, मतलब ये भी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। तो आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, थ्री, यानी कि सेकंड एंड थर्ड वार इंप्लिसिट, यानी सेकंड और थर्ड यहां पर इंप्लिसिट करते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए शुरू के 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो फिर आप यहां पर कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रहे हैं, मैं एक सेकंड, बिट्टू। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कमेंट नहीं आ रहे, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनको अपना काम करने दीजिए। और ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मुझे लगता है कि वह पागल हो गई है, कल रात मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते देखा है। ए ने बी को मधु के बारे में बताया, मधु ए की दोस्त है, बी मधु को जानता है, कुछ लोग कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हैं। स्टेटमेंट, I think that C has gone mad last night. I saw her barking like a dog. It tells B about Madhu. Madhu is a friend of A. B knows Madhu. Some people do not bark like dog. कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसके बारे में बात करिए और इसके बारे शुरू करते हैं। यहां पर आपके लिए मैंने आपका टाइमर ऑन कर दिया है, और ये रहा आपका टाइमर 20 सेकंड तक, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, फिर उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करेंगे। फटाफट करिए, फटाफट आंसर करना शुरू करिए। प्रीतम सिंह जी, थैंक यू कमिंग फॉर हियर। गगन सर का भी को बुला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया बिट्टू भैया को, ओके। तो यहां पर ये टाइम हो गया हमारा, आप शुरू करते हैं। वह पागल हो गई है, मुझे लगता है कौन पागल हो गई है, ए ने बी को मधु के बारे में बताया, कौन पागल हो गई है, कल रात मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते देखा। देखिए ए है, आप ए बनिए, ए पर ए बने, तो ए का मतलब यह हुआ कि ए कह रहा है कि मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते देखा है, वो क्या हो गई है, पागल हो गई है। अच्छा, मतलब जो लोग कुत्तों की तरह भौंकते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है मधु ए की दोस्त है,
देखिए यहां तो एक चीज तो पता चल रही है कि ए और बी मधु को जानते हैं, क्योंकि ए और बी अगर मधु को नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्होंने वहां पे वहां शब्द का प्रयोग किया है, वहां पे मधु नहीं कहा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि बी मधु को जानता है, लेकिन इतना जानता है कि मधु एक ही दोस्त है, तो ये हमें पता चल नहीं पा रहा कि दोस्ती के बारे में नहीं पता चल पा रहा, इसलिए ये उदाहरणा सही नहीं है, ये एजम्पशन सही नहीं है। सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक डॉग, कुछ लोग कुत्तों की तरह नहीं भौंकते, ये पूरी दुनिया जानती है, और ये ए भी जानता है, ए को अच्छा नहीं लगा कुत्तों की तरह भौंकना, इसलिए उसने उसको क्या कह दिया, पागल। यानी कि आम धारणा क्या है, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं चाहिए। तो यहां पर सेकंड और थर्ड सही होने वाला है। सेकंड और थर्ड के लिए आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी नंबर, यानी कि सेकंड एंड थर्ड में आपका बी आंसर है। जिन्होंने बी आंसर किया है देन हिट, वो सही है, और जिन्होंने गलत आंसर किया है वो थोड़ा सा इसको सुधारें, किन चीजों की वजह से मैंने इसको सही किया उसको समझे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। और यहां पर लिखिए, पढ़िए, कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी। देखिए अगर आपको हिंदी में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश वाले को कंसल्ट करिए, इंग्लिश में एकदम सही लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए इस क्वेश्चन में। जी हाँ बिल्कुल लेट हो गया हूं मैं थोड़ा सा। कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी तब तक अनाज की मांग में कमी आना शुरू हो जाएगी। एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी और तब तक अनाज की मांग में कमी आना शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ है कीमतें मई से पहले नहीं गिरेंगी, अर्थशास्त्री देश के किसानों के संपर्क में है, मांग में कमी आने से पूर्ति में कमी आती है। द प्राइसेस शुड फॉल आफ्टर मई, बाय दैट टाइम द चेन डिमांड फॉर ग्रेन स्टार्ट ड्रॉपिंग एन इकोनॉमिस्ट। प्राइस विल नॉट फॉल बिफोर मई, दैट इकोनॉमिक्स इज लिंक विद फार्मर्स ऑफ द कंट्री, ए ड्रॉप इन डिमांड विल रिजल्ट इन अ ड्रॉप इन सप्लाई। आंसर शुरू करिए, मैं आपको दे रहा हूं यहां पर टाइम के लिए, और ये आपका टाइमर स्टार्ट हुआ। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पर्याप्त समय मिल सके, आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग एक मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे ज्यादा डेढ़ मिनट लग रहा है किसी क्वेश्चन को करने में, मैं टाइम देख रहा हूं और आपके लिए मैं वेट कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आपके लिए पूरा टाइमर चल रहा है यहां पर 8 सेकंड के लिए। जी बिल्कुल यहां पर 6 5 4 3 2 फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। आप जहां पे गलत करेंगे, शुरू के 10 क्वेश्चन हो सकता है कि आप गलत करेंगे, लेकिन उसके बाद आप सही करना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है आज। 10 क्वेश्चन तक हो सकता है गलत करोगे, लेकिन देखना सीख जाओगे क्या देखना होता है प्रीजम्पशन में। बन जाओ, क्या बन जाओ, एक अर्थशास्त्री बन जाओ, एक अर्थशास्त्री बन जाओ, पढ़े लिखे बिल्कुल अर्थशास्त्री, पूरा इकोनॉमिक्स आता है तुमको। फिर उसके बाद कहा गया कीमतें मई से पहले नहीं गिरेंगी, और अर्थशास्त्री को क्या लग रहा है कि कीमतें मई के बाद गिर जाएंगी। कब गिरेंगी, मई के बाद गिरेंगी, यानी उससे पहले नहीं गिरेंगी। तो ये एजम्पशन के रूप में क्या है, सही है। अर्थशास्त्री देश के किसानों के संपर्क में है, पता नहीं, हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ऊपर वाले सेंटेंस से हमको यह पढ़ने पर नहीं पता चल पा रहा है कि अर्थशास्त्री किसानों के संपर्क में है या नहीं। मांग में कमी आने से, यहां पे आने लिखा हुआ है, मांग में कमी आने से पूर्ति में कमी आती है। ए ड्रॉप इन डिमांड विल रिजल्ट इन ड्रॉप इन सप्लाई, लेकिन वहां तो कीमतों की बात की गई है, अनाज की मांग में कमी आएगी, कीमतें गिरेंगी, क्या पूर्ति डिमांड एंड सप्लाई का कोई रूल डिस्कस किया गया है, नहीं। तो यहां पर ये भी रिलेशन क्या होने वाला है, एजम्पशन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। सही केवल एक है, इसलिए फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट, ओनली वन इज इंप्लीसिट, केवल एक सही है यहां पर। जिन लोगों ने इसके अलावा कोई आंसर किया है उन्होंने गलत किया है। बहुत धीमे धीमे आंसर कर रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा तेज करो, उम्मीद है क्लियर है ये। आज मैं धीमे नहीं पढ़ाने वाला, आज मैं एकदम तेज जाने वाला हूं। 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है। वित्त मंत्रालय को हमारे राज्य को और धन आवंटित करना चाहिए क्योंकि हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे राज्य को और ज्यादा धन देना चाहिए। वित्त मंत्रालय का इस राज्य को और धन आवंटित करने का, आवंटित यहां पर आवंटित, थोड़ा बहुत हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में टाइप करने में यह हुआ है, तो आप परेशान मत हो। तो वित्त मंत्रालय इस राज्य को और धन आवंटित करने का विचार नहीं है, उन राज्यों को और धन देना चाहिए जो खनिजों की पूर्ति करते हैं। मुख्यमंत्री पहले ही धन के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। द फाइनेंस कमीशन मस्ट ग्रांट मोर फंड्स फॉर अवर स्टेट। तो शुरू कर दूं, टाइमर शुरू हो गया है आपके लिए, यहां पर 20 सेकंड का टाइम है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मैंने आइडियली 20 सेकंड माना हुआ है। 20 सेकंड मैं वेट करूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से, आप आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके। तब तक कमेंट पढ़ लेता हूं, कमेंट रीड कर लेता हूं। 111 AAA, चलिए शुरू करिए, शेयर कर दो प्लीज। आज वाले में तो ये है 7, हाँ बिल्कुल आपने दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉर्मल एज या नॉर्मल ग्रुप के बच्चे होते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सर विजिबल नहीं है, सर क्या नहीं विजिबल है, इंग्लिश वाला विजिबल नहीं है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब थोड़ा सा विजिबल है, अभी थोड़ा सा विजिबल है। चलिए ठीक है, टाइम हमारा आप हो गया, हम इसकी बारे में बात करते हैं। हिंदी वाला तो विजिबल होगा, वित्त मंत्रालय को हमारे राज्य को और धन देना चाहिए क्योंकि हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री। अच्छा देखिए लिखा हुआ है वित्त मंत्रालय का इस राज्य को और धन आवंटित करने का कोई विचार नहीं है। अगर ऐसा तो नहीं कह रहा कहीं, वित्त मंत्रालय के विचार के बारे में तो कोई बातचीत नहीं की गई है, तो यह एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। वित्त मंत्रालय के विचार के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, इसलिए यह एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले की बात करते हैं,
उन राज्यों को और धन देना चाहिए जो खनिजों की पूर्ति करते हैं। देखिए, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं अब, और आप ऐसा मानते हैं कि आपके राज्य को और धन क्यों देना चाहिए, क्योंकि और धन देंगे तब उसका मतलब यह है कि आप और लोगों के कर्ज खनिजों की पूर्ति करते हैं, इसलिए आपको और धन चाहिए, क्योंकि आप देश को समृद्ध बना रहे हैं, और अगर आप देश को समृद्ध बना रहे हैं तो उसमें रोल ज्यादा है आपका। तो यह क्या होने वाला है? सही होने वाला है। मुख्यमंत्री पहले ही और धन के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र की कोई बातचीत नहीं की गई है इस सेंटेंस में, इसलिए यह क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है, यानी कि सेकेंड इज, तो यहां पर ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दी, यानी कि कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। केवल एक ऑप्शन सही है, उन राज्यों को और धन मिलना चाहिए जो खनिजों की पूर्ति करते हैं, क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी विल बी करेक्ट एंड अदर विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट लेते हैं यहां पर क्वेश्चन, ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं शादियों में कोई घरेलू सामान देने पसंद नहीं करता हूं, मैं नगद देना ज्यादा पसंद करता हूं। ए ने बी को बताया, ए को शादियों में बुलाया गया है, कुछ लोग उपहार में सामान देते हैं, कुछ लोग शादियों में उपहार के बेकार की चीजें दे देते हैं। तो प्लीज हेल्प मी सर आकेश रंजन, क्या चाहते हैं आप? क्वेश्चन पढ़िए, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं आपके लिए। यहां पर 20 सेकंड का ये टाइमर है, देखिए 20 सेकंड तक मैं आपके लिए वेट करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 20 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, उसका आंसर भी करेंगे। जल्दी करिए फटाफट। दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में आपको ज्यादा समझ में आएगा। 11, 10, टाइम जा रहा है, फटाफट आंसर करो गाइस, प्लीज जल्दी फटाफट, जल्दी 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 आंसर करो। मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, फटाफट आंसर करो। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया है। मैं शादियों में घरेलू सामान की देना पसंद नहीं करता हूं, मैं नगद देना ज्यादा पसंद करता हूं। कौन कह रहा है? ए कह रहा है, यानी आपको बनना है इस टाइम ए। और ए क्या कह रहा है? ए ने बी को बताया कि मैं ऐसा आदमी हूं जो शादियों में घरेलू सामान नहीं देता, मिक्सी कुकर ये सब मैं देना पसंद नहीं करता, मैं क्या देना पसंद करता हूं? कैश देना पसंद करता हूं। तो देखिए पहला लिखा हुआ ए को शादियों में बुलाया, बट ऑब्वियस है कि अगर ए को शादी में बुलाया नहीं होगा तो क्या उसने नगद खाक दिया होगा? तो इसका मतलब पहला वाला क्या है? सही है। कुछ लोग उपहार में सम्मान देते हैं, वो किसकी बात कर रहा है कि मैं घरेलू सामान देना पसंद नहीं करता हूं? और उसके दिमाग में ये बात रही होगी ना, आपको पूर्व धारणा उसके दिमाग में जाके चेक करनी है, ए के दिमाग में जाके चेक करनी है। तो बिल्कुल, कुछ लोग उपहार में सामान देना पसंद करते हैं, तभी उसने ये बात कही है। कुछ लोग शादी में बेकार की चीजें दे देते हैं, बेकार की चीजों की हमें कोई बातचीत नहीं की गई है, ये हमारा सेंटेंस एजम्पशन पेरीमीटर से बाहर का है, ये बाहर के क्षेत्र का है, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होंगे वो होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक और दो काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट आंसर किया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और इसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं, सातवें नंबर पे आते हैं। प्रधानमंत्री जल्द ही, प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, मंत्र मत करिए उसको, मंत्री कर दीजिए। प्रधानमंत्री जल्द ही अपने मंत्रालय का विस्तार कर सकते हैं, एक अखबार की रिपोर्ट, अखबार नहीं है अखबार है, अखबार में एक विश्वस्त जानकारी दी है, अखबार के पास एक विश्वसनीय सूत्र है और प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रालय को विस्तार करने की शक्ति है। द प्राइम मिनिस्टर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, द प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एन एक्सपेंशन इन हिज मिनिस्ट्री शॉर्टली इन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, द न्यूज़पेपर हैज़ कोटेड। एक सेकंड ध्यान रखिएगा, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कोटेड ऑथेंटिकेटेड सोर्स, और जबकि यहां पर लिखा हुआ है विश्वस्त जानकारी दी है, दोनों में फर्क है। यहां पर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इंग्लिश वाला सही मान के चलेंगे, हिंदी वाला गलत मान लेते हैं। ठीक, इसमें ऊपर कह रहा है विश्वस्त जानकारी दी है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है उसने कोट किया है, ऑथेंटिक सोर्स से कोट किया है, मतलब अलग है। यहां पर थोड़ा सा टाइमर ऑन करते हैं फटाक से, और ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया फटाक से। 20 सेकंड के लिए वेट करूंगा, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर करो जल्दी जल्दी जल्दी। सर क्वेश्चन थोड़ा जूम करिए, अच्छे से दिखता नहीं रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? अभी तो दिख रहा होगा, अब तो जूम कर दिया। चलिए ठीक है, 4 आंसर आ रहे हैं यहां पर, फॉर ऑल आर इम्प्लिसिट। शुरू करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जल्द ही अपने मंत्रालय का विस्तार कर सकते हैं, हमारा टाइमर खत्म हो गया है, अखबार ने एक रिपोर्ट दी है। अखबार को हमेशा, न्यूज़पेपर को हमेशा आप रिलायबल सोर्स मानते हैं, हर कोई रिलायबल सोर्स मानता है, यानी कि पेपर में जो भी आता है वो सब हम उसको विश्वसनीय मानते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा है तो अखबार के पास एक विश्वसनीय स्रोत तो होता है, यानी सेकंड वाला तो करेक्ट है। लेकिन ऊपर इंग्लिश में आइए, देखिए द न्यूज़पेपर हैज कोटेड ऑथेंटिकेट सोर्स, कोटेड का मतलब होता है कि उसने एक ऑथेंटिकेट सोर्स से ये चीज उद्धरण की है, उठाई है उसने, अब जरूरी नहीं उसने ये चीज एक ऑथेंटिकेट सोर्स से उठाई हो, कोटेड के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उसने ये सोर्स कहां से उठाया है, इसलिए ये रॉन्ग मानूंगा मैं, इसको पूर्व धारणा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रालय को विस्तार करने की शक्ति है, द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू एक्सपेंड हिज कैबिनेट, बिल्कुल उसके पास ये शक्ति होती है, हम सभी को पता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यानी दूसरा और तीसरा सही रहेगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। आप फिर से समझ लीजिए, कोटेड जैसे वर्ड कभी भी आए, कहीं से उद्धरण किए गए हैं, कहीं से उठाए गए हैं, कहीं से उदाहरण लिया गया है, इस तरह के वर्ड कभी भी आए तो वो एजम्पशन सही नहीं माने जाएंगे, आप इसको गलत करिए। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड नंबर,
और वो हो गया है सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं गाइस, फटाक से देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब क्लियर है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप देख सके। लिखा हुआ है आप बिना चित्र की सहायता से इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको चित्र की आवश्यकता होती है। पूर्व धारणा, विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, प्रश्न हल नहीं किए जा सकते और इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं इंग्लिश में। देखिए लिखा हुआ है यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस विदाउट कंसल्टिंग ए डायग्राम, डिफिकल्ट क्वेश्चन नीड डायग्राम फॉर सॉल्विंग, ए टीचर टेल्स टू हिज स्टूडेंट, एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा है। द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, सच द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, सच ए क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। बिल्कुल आपके पास टाइम है, 20 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो यहां पे स्टार्ट करिए फटाक से। ये आ गया 20 सेकंड, 20 सेकंड के टाइमर के बाद हम आपको आंसर बताएंगे और क्लियर करेंगे। बिल्कुल शुरू करें आराम से, बिल्कुल करें, मैं टाइम वेट कर रहा हूं आपका, आपका वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकंड आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि हाँ 20 सेकंड में आपने जो आंसर दिया है वो सही है, पढ़ना भी है और आंसर भी करना है। बफरिंग कर रहा है भैया, नेट थोड़ा सा अच्छा डाला लो, परेशान ना हो। अब हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया है। आप बिना चित्र की सहायता से इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, अब आपको बनना है एक टीचर। बिल्कुल एक टीचर बनना है, अगर आप टीचर होते तो आपने ये बात क्यों कही होती, आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते, कठिन होते हैं, तो ये वाला सही है। आपने कठिन प्रश्नों की बात की है ना, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कठिन प्रश्न चल रहे हैं, तो आपने कठिन प्रश्नों की यहां पर क्या की है, बात की है। और विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, प्रश्न हल नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, डायग्राम की सहायता से, विदाउट डायग्राम आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर डायग्राम की सहायता सॉल्व किया जा सकते, मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा है, थर्ड इज इंप्लिसिट एंड ओनली थर्ड इज इंप्लिसिट, आंसर नंबर 4 एंड 4 नंबर इज द करेक्ट। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हमको थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, किसी को नहीं पीनी चाहिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो यहां पर भी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब क्लियर है, ठीक है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ए ने अपने मित्र से कहा। ए शराब के बुरे प्रभाव के बारे में जानता है, शराब इंट्रोटॉक्सिक एंड जहरीली नहीं होती है, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कैसे करना, टाइमर शुरू कर देता हूं मैं आपके लिए, ये आ गया आपके लिए टाइमर और फटाक से इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। 20 सेकंड मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर करें इसका, फटाफट आंसर करें और चेक करें कि आप सही हैं कि गलत। बिल्कुल आंसर करते जाइए, आज जितना तेजी से पढ़ना है दिमाग का एकदम ढक्कन खोल के रखना है एकदम अच्छे से। टाइमर जा रहा है बड़ी तेजी से, टाइम भी जा रहा है भाई, जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, टाइम खत्म हो गया, मेरा चांस आ गया है, मुझे बताना पड़ेगा इसको। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किसने कहा, ए ने अपने मित्र से कहा है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, यानी ए को लगता है कि शराब पीने से क्या हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो यहां पर उसने अपने मित्र से कहा है। तो ए शराब के बुरे प्रभाव के बारे में निश्चित रूप से जानता है, इसलिए उसने मना किया है। आप हमेशा स्पीकर बन जाइए, पूरी धारणा अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको सिर्फ यह देखना है कि आपने कहा क्यों कहा आपने, आप जानते हैं उसके बुरे प्रभाव के बारे में, शराब जहरीली नहीं होती इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, शराब जहरीली है नहीं जहरीली इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल यहां पर ऊपर लिखा हुआ है कि शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर यह भी क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है, केवल एक सही है, ओनली वन इज इंप्लिसिट एंड यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, ऑल आर इंप्लिसिट, सेकंड एंड थर्ड आर इंप्लिसिट, यू शुड नॉट ड्रिंक, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें शराब पीनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहां पे केवल एक सही है, यहां पे ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे हैं उससे, तो यहां पर जो सही है और एजम्पशन होगा वो केवल एक है, आप इसके बारे में परेशान ना हो, केवल एक सही है, बाकी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं अगला, ये समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मैंने काफी कम करने का निश्चय लिया है, लोगों ने मुझे बताया कि कैफीन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ए ने बी से क्या कहा है कि तुम्हें कॉफी कम, मुझे बताया कैफीन सेहत के लिए, ए ने बी से कहा, और काफी में कैफीन होता है, लोगों के विचार में कॉफी के बारे में सही है, बी भी कम कर सकता है, आई हैव डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन कॉफी, पीपल टेल मी दैट कैफीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ए टेल्स बी, कॉफी कंटेन्स कैफीन, पीपल आर करेक्ट इन देयर व्यूज अबाउट कॉफी, बी मे ऑल्सो कट डाउन कॉफी। तो यहां पर आपको इसके बारे में आंसर करना है, टाइमर शुरू करते हैं हम, इसके बारे में आंसर करिए फटाफट से, करिए बिल्कुल करें फटाफट से, व्यू क्लियर है, ये एकदम क्लियर है, यहां पर एकदम क्लियर, आई हैव डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन कॉफी, पीपल टेल मी दैट कैफीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ए टेल्स बी, तो यहां पर ऑप्शन क्लियर होगा, खत्म हो गया है यहां पर, कॉफी में कैफीन होता है, बिल्कुल, अगर आप इस वाक्य साथ मिला लें,
दोनों वाक्य मिला लें, यानी दोनों सेंटेंस आपस में मिला लें, तो आपको पता चल जाएगा कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। लोगों के विचार कॉफी के बारे में सही है, अगर आपको जरा भी लगे या ए को जरा भी लगे कि लोग सही नहीं कह रहे हैं कॉफी के बारे में, तो वो क्या कॉफी कम करने के बारे में सोचेगा? नहीं, वो कॉफी कम करने के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब लोगों के विचार उसके हिसाब से कॉफी के बारे में सही है। बी भी कॉफी कम कर सकता है, पता नहीं, मे बी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, इसलिए अजम्पशन के रूप में ये सही नहीं हो, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी कि आंसर नंबर वन इज करेक्ट। तो जिन लोगों ने वन किया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है, अगर उन्होंने कुछ और किया है तो वो आंसर गलत है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लिखा हुआ है हम प्रयोग किए हुए कीमती सामान खरीदते हैं, यानी जो भी आपके पास कीमती सामान है और आपने उसका प्रयोग किया हुआ है फिर भी तो हमसे जल्द संपर्क कर सकते हैं। एक एडवर्टीजमेंट है, एक एडवर्टीजमेंट दिया गया और नीचे लिखा हुआ है वी बाय यूज्ड इंपोर्टेड आइटम्स, कॉन्टेक्ट अस एट द अर्लिएस्ट एंड एडवर्टीजमेंट। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अपना पिक्चर बना ले, पिक्चर बना ले, 9 नंबर कंफर्म कर देगा, ठीक है, चलते चलते कंफर्म कर दूंगा। वी बाई यूज इंपोर्टेड आइटम्स, कॉन्टेक्ट अस द अर्लिएस्ट एंड एडवर्टीजमेंट। यूज इंपोर्टेड आइटम मे नॉट बी यूजलेस, देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू सेल यूज इंपोर्टेड आइटम। तो ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है वो आप पढ़ चुके होंगे, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं आपके लिए और ये हो गया आपका टाइमर स्टार्ट। देखते हैं, वेट करते हैं हम लोग थोड़ी देर। नाइन नंबर में ना वो शराब क्यों अच्छी होती है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है मैं उस पर आऊंगा वापस, नाइन नंबर पे आऊंगा, परेशान ना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेक्टिफाई करते हैं, बिल्कुल मुझे भी अभी याद आया कि उसमें मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है, आप परेशान ना हो, ठीक है, टाइम अप हो गया, इसके बारे में बात करें, हम नाइन नंबर पे वापस आएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। हम प्रयोग किए हुए कीमती सामान खरीदते हैं, हमसे जल्द संपर्क करें, प्रयोग की हुई कीमती सामान हो सकता है बेकार ना हो, बिल्कुल। आप प्रयोग किए हुए कीमती सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो आप ये विज्ञापन देने वाले हैं, आपको लगता है कि अगर कोई यूज वाला वैल्यूएबल प्रोडक्ट है तो उसे आप खरीद सकते हैं, तो ये अजम्पशन के रूप में एकदम सही है। कुछ लोग अपने प्रयोग किए हुए कीमती सामान को बेचना चाहते हैं, आपने क्या किया है कि आप उसे बेचें, खरीदते हैं ना, तो आपको पता है कि कुछ लोग वाकई उसको बेचना चाहते हैं, तो ये भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है, यदि विज्ञापन उन लोगों द्वारा पढ़ जाएगा जो इस तरह के सामान बेचना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या आप विज्ञापन देंगे, विज्ञापन हमेशा इसीलिए दिया जाता है कि लोग उस तक पहुंचे, तो ये भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ऑल आर इम्प्लिसिट, यानी कि फोर इज बी करेक्ट, फोर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि वह मेरे विरुद्ध एक भी आरोप साबित कर दे तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, यहां राजनीति कर दीजिएगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा एक राजनीतिज्ञ। राजनीति पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, राजनीति पर लगाए गए आरोप यदि सही भी हो तो साबित नहीं किया जा सकता, राजनीतिक राजनीति से ऊब गया है। तो आपको यहां पर बताना है यहां पर कौन सा आंसर सही होने वाला है। इफ ही प्रूव्स ए सिंगल चार्ज अगेंस्ट मी आई वो दैट आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर एवर, सेड ए पॉलिटिशियन इन स्पीच। द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द पॉलिटिशियन आर फॉल्स, द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द पॉलिटिशियन आर बियॉन्ड द प्रूफ इवन इफ ट्रू, द पॉलिटिशियन इज फेड अप विद पॉलिटिक्स। तो यहां पर मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं और 20 सेकंड आपके लिए वेट करूंगा, फटाफट से करिए। तेरह बारह, इंग्लिश तो ये कॉपीड है, अगर ये रॉन्ग नहीं हो सकती, हिंदी में मैं सोच सकता हूं थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाए, ठीक है, शुरू करें। छह पांच चार तीन दो एक, मैं नौवे नंबर पे आऊंगा, नौवे नंबर के लिए आप परेशान मत होइए, मैं दोबारा आऊंगा उस पर, हमारा टाइम अप हो गया है। देखिए यहां पर आपको बनना है वो राजनीतिज्ञ, आपको वो उसकी फीलिंग लानी है। अगर ये सेंटेंस आपने दिया होता तो आप निश्चित रूप से ये मानते कि उस पर आरोप लगाए गए क्या है, वे झूठे हैं, यानी ये अजम्पशन क्या है, सही है। अगर आपको जरा भी लगे कि आपके खिलाफ लगाए गए आरोप क्या है सही है, तो आप इस तरह का भारी सेंटेंस देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, यानी ये सही है। राजनीतिक पर लगाए गए आरोप यदि सही भी हो तो साबित नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उसे साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसको ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं। राजनीतिक राजनीति से उपाय जी नहीं, राजनीतिक राजनीति से नहीं उपाय है, वो अपने द्वारा लगाए गए अपने ऊपर लगाए गए आरोप से उपाय है, तो केवल एक सही है, यानी ओनली वन इज इम्प्लिसिट। अब काफी सारे लोगों के सही आंसर आए हैं, धीरे धीरे सही आना शुरू हो जाएगा, देखना अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, जल्दी आओ फटाफट से। अगले पे आते हैं। इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा जिन्होंने शांति की आवाज को शांत करने का प्रयास किया है, हिंसा से शांति को कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता। एक नेता इजरायली इज़ाक रबिन की हत्या पर दुख प्रकट करते हुए, मिस्टर रबिन इतिहास के अनुगामी थे, मिस्टर रबिन शांति के चैंपियन थे, मिस्टर रबिन यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मारे गए। तो इसके बारे में आपको बताना है, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव हिम। अगर आपको यह दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं, यह हो गया थोड़ा सा जूम। अब यहां पर ट्राई करें, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, तो अपनी देर में आपको पढ़ना भी है और इसका आंसर भी करना है। ये रहे 20 सेकंड आपके, ये 20 सेकंड हुए आपके, शुरू करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। चलिए देखिए टाइमर शुरू हो रहा है, टाइमर मैं वेट कर रहा हूं बस आपके आंसर्स का, मैं देख रहा हूं यहां पर, शुरू करें।
ठीक है, आप टाइम हो गया, यहाँ पर आप एक दे रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा जिन्होंने शांति की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतिहास के अनुगामी है। ये सेंटेंस एकदम रबिस है, कचरा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो इतिहास के अनुगामी थे या नहीं थे ये हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इसके बारे में ये जरूर पता चल रहा है कि वो शांति के चैंपियन थे, वो शांति के अग्रदूत थे, वो शांति फैलाना चाहते थे। उसके बाद मिस्टर यबिन यहूदी धर्म, ऊपर कहीं पर भी यहूदी धर्म का इस्तेमाल ना होने के कारण ये एजम्पशन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओनली टू इज करेक्ट एंड ओनली टू इज इम्प्लिसिट इज फाइव नंबर विल बी करेक्ट एंड फाइव ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर जिन्होंने फाइव ऑप्शन किया है उनको एकदम सही है, बाकी का सही नहीं है। ये मैं क्यों गलत कर रहा हूं, क्योंकि इतिहास के अनुगामी ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं कहा गया, उन्होंने सब्जेक्ट नहीं कहा है, उन्होंने इतिहास की बात की है, हिस्ट्री की बात की है, टाइम पीरियड की बात की है, तो यहां पर ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर अगला जल्दी फटाक से देखिए। स्पष्ट है न्यायालय सभी उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन जनता जो इससे उठ चुकी है उसके सर्वोच्च न्यायालय ही आखिरी ठिकाना है। यहां की मत करिएगा, यहां ही कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं, ये थोड़ा सा जूम हो गया और ये भी थोड़ा सा हल्का सा जूम हो गया, ट्राई करें, ट्राई करें, दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो इसके बारे में बात करें, यहां पर शुरू करते हैं, हम टाइमर शुरू कर देते हैं, इतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जल्दी करें दोस्तों प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट से करें। स्पष्ट है न्यायालय सभी उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन जनता जो इससे उब चुकी है इसे सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी ठिकाना ही है। सर एक क्यों गलत है शिवंगी झा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जी बिल्कुल, वहां पर इतिहास के अनुगामी की बात नहीं की गई है, इतिहास के बारे में बात नहीं की गई है। अमन जायसवाल सर मेरा नाम ले लीजिए, अमन जायसवाल ले लिया, खुश होइए। देखिए टाइमर हो गया, वो आप स्पष्ट है न्यायालय सभी उत्तर नहीं दे सकता, यानी कि आप किसी भी हाई कोर्ट वगैरह में जाते हैं या अपने लोकल जुडिशियल में जाते हैं तो यहां पर आपको जनता उससे उब चुकी है उसके सर्वोच्च न्यायालय से आखिरी ठिकाना, मतलब जो इनसे भी उब जाते हैं वो लोग कहां जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ से ऊपर है, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट इज अबव द एग्जीक्यूटिव, देखिए ये हमें पता है लेकिन यहां पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये हमारी जानकारी है, यहां पर दी गई ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये क्या होने वाला है, ये रॉन्ग होने वाला है, सर्वोच्च न्यायालय वाला आपका सही नहीं है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ से अधिक सक्रिय, बिल्कुल, अगर वो सक्रिय नहीं होगा तो वहां पर लोग क्यों जाएंगे, पक्का सुप्रीम कोर्ट के वो अपने लोगों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, वो उनसे ऊब जाती है जनता, ऊबने के कारण वो कहां जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, उनको अच्छा न्याय नहीं मिल पाता, उनको जल्दी न्याय नहीं मिल पाता तो वो कहां जाते हैं, अधीनस्थों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है, ऐसे पावर के बारे में कोई बातचीत यहां पर नहीं की गई है, तो ये भी हमारे लिए क्या होने वाला है, ये हमारे लिए रॉन्ग होने वाला है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, पहला और तीसरा दोनों रॉन्ग है, सेकंड सही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ओनली टू इज इंप्लिसिट, यानी कि फिफ्थ नंबर विल बी करेक्ट, सेकंड वाला सही है, केवल केवल सेकंड वाला सही है। बाकी आगे चलते हैं, एक और परेशान मत होंगे, जो भी डाउट वगैरह रहेंगे मैं डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत होंगे। एक और आया, किसी भी लोकतंत्र ने, यहां पर नहीं नहीं है, किसी भी लोकतंत्र ने वयस्क मताधिकार की इतनी भारी कीमत नहीं चुकाई है जितनी की भारत भारत ने, और फिर उसके बाद यहां फुल स्टॉप, निरक्षर लोगों को मत देने की शक्ति देकर एक क्रियाशील अराजकता की शुरुआत की है एक विशेषज्ञ, पूर्व धारणा वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के लिए नक्शा नहीं है, केवल साक्षर लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, भारत में एक क्रियाशील अराजकता है। टाइम शुरू करते हैं आपके लिए फटाक से, करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आपका, हट जाऊं। 13, अगर आपको नहीं लग रहा है तो मत करिए उसे, बट वन तो स्टैंडर्ड है, कहां स्टैंडर्ड है भाई, वो दुनिया नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऊपर का मतलब होता है कि आप उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, हाँ ये हो सकता है कि उनके निर्णयों को वायलेट कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों में ऊपर जो होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके, तो उसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब उनको परेशान नहीं करते, ठीक है। तो इस यहां पर इस भाव से लिया गया था सेंटेंस, और इसी भाव को रखना था, ऊपर होने का हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, किसी भी लोकतंत्र ने वयस्क मताधिकार में इतनी भारी कीमत नहीं चुकाई जितनी की भारत ने, तो जो भी ये विशेषज्ञ हैं इनके दिमाग में ये है कि वयस्क लोगों को मताधिकार देना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को देना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके लिए हिसाब से देखा जाए वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये वयस्क मताधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये पढ़े हुए लिखे लोगों को मताधिकार देने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके निरक्षर सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को वयस्क मताधिकार मिले, तो पूरा का पूरा वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये बात गलत है। दूसरी,
केवल साक्षर लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इनके हिसाब से तो यही होना चाहिए कि निरक्षर लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, तो केवल साक्षर लोगों को ही वोट देना चाहिए। भारत में एक क्रियाशील अराजकता है। जी बिल्कुल, ये क्रियाशील अराजकता की बात कर रहे हैं तो भारत में, और भारत की ही बात कर रहे हैं तो भारत में ही क्रियाशील अराजकता है। इसमें पूर्व धारणा इनके पास यही है। ये सेंटेंस क्या होने वाला है? सही, तो बी और सी सही होने वाले हैं, यानी सेकेंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, तो आंसर विल बी 5। तो जो लोग 5 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सभी लोग माने, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर है या नहीं इसके बारे में बात है। सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, वहां पे ये जो भाव कहना चाहते हैं वो ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कभी भी कोई काम करने से रोक या घटा सकता है। देखिए, तुम्हें और मिठाई नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो तुम्हारे दांतों को नुकसान पहुंचाए, एक माँ अपने बच्चे से। पूर्व धारणा, माँ को अपने बच्चे की चिंता है, मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, और मां को अधिकार है कि वह निश्चय करे कि बच्चा क्या खाएगा और क्या नहीं। जल्दी से फटाक से करिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आपके लिए। जल्दी जल्दी फटाफट करिए, आंसर करिए इसका। तुम्हें और मिठाई नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए तो तुम्हारे दांतों को नुकसान पहुंचाए, तो एक माँ अपने बच्चे से। पूर्व धारणा, माँ को अपने बच्चे की चिंता है। बिल्कुल, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है, तो बिल्कुल सही है। मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, माँ तो यही मान रही है कि मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसमें यह भी क्या होने वाला है? सही होने वाला है। माँ को अधिकार है कि वह निश्चय करे कि बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं, ये भी सही होने वाला है। ऑल आर इम्प्लिसिट, मैंने टाइमर का वेट नहीं किया, लेकिन यहां पर तीनों सही है, तो इसके ऑप्शन यहां पर मौजूद नहीं थे। यहां पर आपको मान्य है तीनों सही है, यहां पर एकदम सही है। ठीक है, मानिकचंद कुमार खुश हो जाइए, आपका नाम ले लिया। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, लेकिन वो हाई कोर्ट उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग संस्था है और हाई कोर्ट वगैरह ये सब अलग संस्था है, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेट नहीं करते, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, फिलहाल उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले की बात करते हैं। वाशिंग पाउडर सफेद, वाशिंग पाउडर निर्मा सबसे चमकीली और स्वच्छ धुलाई के लिए और सस्ता भी। विज्ञापन, सफेद एक अच्छा वाशिंग पाउडर है, लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, लोग कीमत को दूसरी महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर ये आपको चेक करना हो तो इसको चेक करने का क्या तरीका है? देखिए, समझिए, आपने एक विज्ञापन दिया, मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास टाइम की कमी हो गई है, मैं फटाफट से आंसर डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर चमकीली धुलाई के लिए सफेद एक अच्छा वाशिंग पाउडर है, बिल्कुल सफेद एक अच्छा वाशिंग पाउडर है, क्योंकि अगर आपने विज्ञापन दिया है और सफेद आपने बनाया तो आप ऐसा कतई नहीं कहेंगे कि आपने जो बनाया है वाशिंग पाउडर वो गंदा है, वो बेकार है। नहीं, बिल्कुल आप मानेंगे कि वो अच्छा पाउडर है। लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, आपने कहा ना सस्ती भाई, तो लोग वाकई सस्ती धुलाई चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? कि सस्ती धुलाई मिले, और लोग कीमतों को दूसरी महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। बिल्कुल, आपने कहा सस्ता भी, यानी कि कीमत उनके लिए इंपॉर्टेंट करती है, क्वालिटी तो इंपॉर्टेंट करती है, साथ साथ कीमत भी इंपॉर्टेंट करती है, यानी ये भी क्या होगा? सही होगा। यहां पर तीनों सही होंगे, तो यहां पर आ गया 1, 2, 3। तीनों सही होने के कारण आल आर इम्प्लिसिट आएगा, यानी 4 विल बी करेक्ट। तो जिन लोगों ने 4 आंसर किया है उनका सही है, और जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा सा समझ लेंगे कैसे किया गया। अगला बात करते हैं, 18वां, बाहर कितना शोर है। एक मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। बाहर कितना शोर है, एक अच्छा विद्यार्थी इस शोर में कैसे पढ़ सकता है। तो यहां जहां आम बात लिखी है वहां अनुकूल लिखिएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कंडीसिव। कंडीसिव का मतलब होता है अनुकूलन, तो शोर बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है या अनुकूल है। तो यहां पर बाहर कितना शोर है, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। एक विद्यार्थी की मां अपने पति से कह रही है, शोर में पढ़ाई में व्यवधान होता है, बच्चों मां को अपने बच्चे की स्वास्थ्य की चिंता है। जरिए यहां पर शुरू करिए फटाफट से। शोर बच्चों के लिए खास बात, अनुकूल नहीं है। बिल्कुल, शोर बच्चों के लिए अनुकूल बात नहीं है। इसके बारे में बातचीत करिए। ऑल ट्रू, गलत, कौन सा गलत हो गया? संगीता तोसवानी जी, परेशान ना हो, जो भी बता रहा हूं एकदम सही है, फुल प्रूफ है। अगर आपको गलत लग रहा है तो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा, यही आपको समझना है कि गलत क्यों हो रहा है और सही क्यों हो रहा है। तो देखिए, शोर बच्चों के लिए अनुकूल बात है, ये कोई सही बात नहीं है, शोर बच्चों को पसंद नहीं होता है। अगर हम बात करें तो शोर से पढ़ाई में व्यवधान होता है, बिल्कुल शोर से पढ़ाई में व्यवधान होता है। और माँ को अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है, जी नहीं, यहां इस सेंटेंस में उसको उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उसकी पढ़ाई की चिंता है। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर कौन सा एकदम सही होने वाला है? सेकंड है, यानी कि फर्स्ट वन भी करेक्ट, यानी कि पहला वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी फटाक से। 20वां नंबर आ जाता है, 19वां नंबर आ गया, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि सबसे योग्य स्कोरर हमारे साथ है। स्कोरर रखिए, स्कोरर, यहां पर भी स्कोरर, स्कोर नहीं, स्कोरर, यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। मुझे लगता है हम जीत जाएंगे क्योंकि सबसे योग्य स्कोरर मेरे पास है, एक हॉकी कोच। पूर्व धारणा, योग्य स्कोरर किसी टीम में जीत में महत्वपूर्ण होता है, हॉकी अन्य खेलों से अलग है, जीतने की संभावना जीतने में फर्क होता है। शुरू करते हैं, पहला लिखा हुआ है योग्य स्कोरर किसी टीम में जीत में महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, यहां पर बात की है उन्होंने जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास क्या है, योग्य स्कोरर है। पूर्व धारणा रिलेट कर रही है, एकदम सही है। दूसरा, हॉकी अन्य खेलों से आगे, हॉकी और अन्य खेलों के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, इसलिए यह पूर्व धारणा गलत है। सेकंड,
जीतने की संभावना और जीतने में फर्क होता है, इसके बारे में ये थोड़ा सा आइडियोलॉजी लग रहा है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। जीतने की संभावना और जीतने के फर्क में बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, हमारे सेंटेंस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, हमारे सेंटेंस के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। मतलब ये क्या हो जाने वाला है, पहला वाला सही है, ओनली वन इज इंप्लीसेड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, थोड़ा तेज करना पड़ेगा मुझे। 21वां नंबर, मेरे हाथ में बंदूक है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करो और बिना पुलिस के बताए जो भी तुम्हारे पास मूल्यवान है मुझे दे दो, एक चोर एक घर के मालिक से ऐसा कह रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ये जूम कर दिया मैंने, अब क्लियर है। तो मेरे हाथ में बंदूक है इसलिए अच्छा होगा कि तुम बिना किसी को बताए व्यवहार, एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करो और बिना पुलिस को बताए जो भी मूल्यवान है वो मुझे दे दो। तो यहां पर दिया गया है कि जब लोग बंदूक देखते हैं तो अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करते हैं। बकवास सा सेंटेंस है, कुछ रिलेट नहीं होता है, डर से आत्मसमर्पण का, क्योंकि उसने अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करने को कहा है, ऐसा अच्छा लड़का बन नहीं जाता है कोई। डर से आत्मसमर्पण का भाव आता है, बिल्कुल आता है, आत्मसमर्पण का भाव सभी के अंदर आता है और ये सभी को पता है, उस चोर को भी पता है। जब लोग भयभीत होते हैं तो पुलिस नहीं बुलानी चाहिए, बिल्कुल गलत है, जब भयभीत होते हैं तो पुलिस बुलानी चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी सेकंड वन इज करेक्ट। तो जिन्होंने सेकंड आंसर किया है वो सही है और जिन्होंने इसको नहीं कर पाए हैं उसको थोड़ा सा समझ लेंगे कैसे करेंगे। यहां पर आते हैं, इस बारे में बात करते हैं, ये देखिए, जब तक उन्हें पर्याप्त अधिकार ना मिले ये इकाइयां, इन इकाइयों से लाभ नहीं मिल सकता, ये इकाइयां लाभ नहीं दे रही हैं, ये इकाइयां लाभ दे सकती हैं, अधिकार लाभ पाने की आवश्यक शर्त है। तो यहां पर शुरू करते हैं फटाक से, अनलेस वी गिव सफिशियंट ऑटोनॉमी टू दीज यूनिट्स विल बी नॉट बी प्रॉफिटेबल, दीज यूनिट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, दीज यूनिट्स आर कैन बी बिकम प्रॉफिटेबल, ऑटोनॉमी इज नेसेसरी कंडीशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। शुरू करिए इसके बारे में आंसर करिए फटाफट से। देखिए सबसे सीधी बात, उन्होंने कहा है कि ये इकाइयों से लाभ नहीं मिल सकता, इसका मतलब अभी वो लाभ नहीं दे रही है, ये सही बात है। ये इकाइयां लाभ दे सकती हैं, वो कह रहे हैं कि पर्याप्त अधिकार मिले तो लाभ नहीं मिल सकता की बात की गई है, यानी ये भी क्या है, सही है। अधिकार लाभ पाने की आवश्यक शर्त है, अगर लाभ पाना है तो उन्हें क्या देने होंगे, अधिकार देने होंगे, मतलब ये भी क्या है, सही है। पूरा का पूरा तीनों सेंटेंस आपके, तीनों के तीनों एजम्पशन आपके तीनों सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल सही है, और यहां पर तीनों सही होने के कारण ऑप्शन आपका होगा ऑल आर इंप्लीसिट, यानी कि 4-1 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग बियर पीने से मना क्यों करते हैं, बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, एक आनंदप्रद वस्तु, मोटापा इस तरह की अच्छी चीजों के लिए बहुत छोटी कीमत है। ए ने बी से कहा पूर्व धारणा, बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, मोटापे के अलावा बियर पीने से कोई हानि नहीं है। बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम कम है, फटाफट से आंसर करिए इसका, इसका आंसर करिए फटाफट से आंसर करिए। तो फिलहाल देखिए कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा हुआ है बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ये देखिए बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, यहां पे भी लिखा हुआ है बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो ये क्या हो गया है, रीस्टेटमेंट हो गया, सेम टू सेम रिपीट कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा एज ए एजम्पशन। बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, हमें पता है कि बियर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ऊपर जो जानकारी उपलब्ध है ये भी गलत हो गया। मोटापे के अलावा बियर पीने से और कोई हानि नहीं है, तो ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि मोटापा बड़ी छोटी सी कीमत है, यहां पर ये भी क्या होने वाला है, गलत हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हानि हो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो यहां पर तीनों सेंटेंस क्या हो गए, गलत हो गए, तो सही आंसर होगा नन इज इंप्लीसिट, यानी कि 5 मेंबर विल बी करेक्ट। तो जो लोग 5 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर बिल्कुल सही कोई बात नहीं, परेशान ना हो, लेकिन आप समझेंगे इन चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और करते हैं, रेड लाइन बसों को बैन कर देना चाहिए, रेड लाइन बसों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि वह कई लोगों को सड़कों को मार चुकी है, एक यात्री ने अपने सह यात्री से कहा, तो दाना यात्री को उन्हें बैन करने का अधिकार है, बसें जो मारती हैं, जो बसें मारती हैं उन्हें क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और सह यात्री यात्री से सहमत होगा, इसके बारे में बातचीत करिए जल्दी फटाक से और आंसर करने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, फटाफट करिए जल्दी जल्दी। तो देखिए यहां पर रेड लाइन बसों को बैन करने की बात की गई है और एक यात्री जो उसे बात कर रहा है, जो कर लीजिएगा यहां पर तो जो बसें मारती हैं उन्हें बैन होना चाहिए, यात्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को मारे, कोई बस किसी को मारे, तो यात्री कह रहा है कि उन्हें बैन करने का, यात्री को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें कहा है कि बैन कर देना चाहिए, उसको नहीं पता कि कैसे बैन करना है लेकिन वो कह रहा है इसको कर देना चाहिए इसको, तो ये सही नहीं है। बसें या जो मारती है उन्हें बैन होना चाहिए, इसलिए एकदम सेंटेंस से रिलेट कर रहा है इसलिए यहां पर ये सही होगा। सहयात्री यात्री से सहमत होगा, पता नहीं सहमत होगा कि नहीं होगा, उसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, कोई सलाह नहीं दी गई है, कोई चेतावनी नहीं दी गई, सिंपल बातचीत की गई है, तो बातचीत करने में कभी कभी आप सहमत होते हैं, कहीं कहीं नहीं सहमत होते हैं, तो यहां पर दूसरा वाला सही है, ओनली 2 इज इंप्लीसिट। जल्दी से देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे मेरे पास केवल, ये है 24वां नंबर, 24वें नंबर में आप देखेंगे, हाँ ये नंबर गलत है, नंबर के बारे में नहीं फिकर करना, नंबर के बारे में नहीं फिकर करना, केवल सिंपल ये 26 नंबर है। तो स्टेटमेंट, इस अपराधी की मृत्यु पुलिस हिरासत में अत्यधिक प्रताड़ना का परिणाम है, उसका सब परीक्षण रिपोर्ट या सिद्ध करती है, एक वकील ने कोर्ट में कहा।
अपराधी पुलिस हिरासत में मरा है, सब परीक्षण से मृत्यु का कारण पता लग सकता है, वकील सब परीक्षण में कुशल है। तो यहां पर अपराधी पुलिस हिरासत में मरा है, ये ऊपर का क्या हो रहा है, रिपीट हो गया है, ये भी रीस्टेटमेंट है और ये भी पूरा का पूरा क्या है, रीस्टेटमेंट। ऊपर कहा गया है कि उसका जो मृत्यु हुई है वो अत्यधिक प्रताड़ना से हुई है और ये सेम मीनिंग आ रही है। क्या आ रही है? सेम मीनिंग। और अगर सेम मीनिंग आएगा तो मैंने आपको बताया था वो रिलेशन सही नहीं होने वाला है। सब परीक्षण से मृत्यु का कारण पता लग सकता है, बिल्कुल ऐसी कुछ बातचीत की गई है ऊपर के, सब परीक्षण से मृत्यु का कारण पता लगा है, वकील सब परीक्षण में कुशल है। जी नहीं, वकील सब परीक्षण में कुशल है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेकंड, टू इज करेक्ट, यानी कि ओनली टू इज इंप्लीसेंट। तो जिन्होंने टू आंसर किया है उन्होंने एकदम सही आंसर किया है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है, भगवान हमारे सप्लाई ऑर्डर का क्या होगा? एक मैन्युफैक्चरर, आप एक फैक्ट्री मालिक बनेंगे इस बार, और उस फैक्ट्री मालिक ने क्या किया है, उसके वकील जो है, उसके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं, और अगर वो हड़ताल पे जाएंगे तो उनका सप्लाई ऑर्डर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो इसके बारे में आंसर करने की कोशिश करें, कर्मचारियों ने हड़ताल पे जाने का निर्णय किया है, भगवान हमारे सप्लाई ऑर्डर को क्या होगा? एक मिनट, कर्मचारियों का हड़ताल पे जाना नैतिक नहीं है। देखिए, नैतिकता की कोई बातचीत नहीं की गई है, नैतिक के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हड़ताल से सप्लाई बाधित हो सकती है, बिल्कुल, उन वो किसकी चिंता है, उसको सप्लाई की चिंता है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, हड़ताल सप्लाई से बाधित हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करना कठिन परिस्थितियों में मदद पहुंचाता है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन यहां उसने प्रार्थना नहीं की है, उसने कहा है हे भगवान, हे भगवान एक्सक्लेमेशन है, यानी कि विस्मयादि बोधक है। तो यहां पर उसने प्रार्थना नहीं की है, यहां सिर्फ और सिर्फ उसने एक सेंटेंस बोला है जिसमें विस्मय है और जिसमें वो भगवान के बारे में थोड़ा सा सोच रहा है, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा। तो ये प्रार्थना ना होने के कारण यहां पर ये सेंटेंस भी क्या होगा, एज ए एजम्पशन रॉन्ग होगा। सही कौन सा है? बी नंबर, यानी ओनली टू इज इंप्लीसिट। तो उम्मीद करता हूं ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, यहां पर जितना तेजी से हम कर पाए कर किया है हमने, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप नेक्स्ट टाइम पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और 9वें वाले क्वेश्चन पे आप वो तीसरा वाला एजम्पशन सही कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है वो एजम्पशन, थोड़ा सा मुझसे वहां पर रॉन्ग हुआ है जल्दी के चक्कर में, तो इस वजह से वो 9वें वाले क्वेश्चन पे मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं एक फटाक से। हां, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ये सेंटेंस सही है, यहां पे दोनों सही होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, देन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, यानी फोर विल बी सही, फोर सही होगा। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, उसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक, ओके, थैंक यू।